हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मम्मी भी उठ चुकी हैं और उन्होंने पूजा पाठ कर ली है और मैंने भी पूजा पाठ कर ली। और अभी नाश्ता फिलहाल हुआ नहीं है और ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 8:30 बजे से स्टार्ट मॉर्निंग के। और पीयूष भी अभी स्कूल जाने वाले क्योंकि उनका स्कूल ना 9 बजे से स्टार्ट है और आज उनका पेपर भी है। और मम्मी बैठक रूम में टीवी देख रही है। अभी नाश्ता भी बना है और हम करते हैं नाश्ता, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बच्चे आ गए स्कूल जाने के लिए। अब अम्मा लगाएगी इनको टीका और प्रसाद देंगी। पीयूष कहाँ आ गया? पीयूष ऊपर है, अभी खाना खा रहा। नाश्ता नहीं किया उसने अभी? आ गया पीयूष। हाँ? आ जाओ, आओ, अम्मा प्रसाद देगी। आप इतने लेट क्यों आ रहे हो भाई? नाश्ता इतनी देर तक करते हो आप? हैं? अम्मा को बुलाओ। ते जाते हैं, नाश्ता ही गलता जा रहा है। पीयूष आज कौन सा पेपर है? इंग्लिश ग्रामर। और पीयू आपका? हाँ? साइंस। अच्छे से देना है पेपर? मेरे तो लास्ट में फेवरेट साइंस है। चल ने पापा बुला रहे थे। चलो तो जाओ, बाय बाय बाय। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। मैं आ चुकी हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए और आपको ना बैक साइड ना घर ही घर दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर ना मैके के साइड जो घर है ना बहुत ज्यादा ही चिपके चिपके हैं और धूप भी ना बहुत तेज लगने लग गई है। और अब मैं कपड़े डालती हूँ। मम्मी और मैं साथ में बैठे हैं और खा रहे हैं फ्रूट यानी कि संतरे। तो आज मैंने मम्मी से बोला भटकी चुड़कानी बना दो और भात, क्योंकि मुझे भटकी चुड़कानी और भात बहुत पसंद है। मम्मी आज बनाओगे ना? हाँ। भटकी चुड़कानी और भात। और मम्मी के हाथ का ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और पहाड़ का तो सबसे ज़्यादा फेमस है भटकी चुड़कानी और भात, और पहाड़ी स्टाइल का खाना बोलते लोग। तो आज मैं वही खाने वाली हूँ। मम्मी कैसे बनाती है मेरी भटकी चुड़कानी आपको दिखाती हूँ। पहले ना मम्मी ने डाल दिया है प्याज तेल गर्म होने के बाद। उसके बाद मम्मी डाल ली है नमक। नमक इसलिए डाली ना प्याज जल्दी से पक जाता है। और हल्का हल्का प्याज को भून रही हैं। ताकि हल्का सा ना ब्राउन उसमें हो जाए प्याज। फिर उसके बाद अब मम्मी ने डाला भट, क्योंकि प्याज के साथ ही भट को मम्मी भून रही हैं। भट डाल लिया अभी फिलहाल। अब हल्की हल्की आंच में भुनेंगी मम्मी भट। ये भट भून रही है मेरी मम्मी। आज मैं खाऊंगी भटकी चुड़कानी। वैसे हमारे यहाँ ना भटकी दाल बोलते हैं हमारे पहाड़ में। सबके यहाँ अलग अलग है, कोई भटकी चुड़कानी कहता है, कोई भटकी दाल बोलते हैं। ये भट चुनने की आवाज आ रही है, चट 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 चटक 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 चटक।
अभी मम्मी ने डाला मसाला, सब्जी मसाला। ये मेरी मम्मी का है सुरकानी बनाने का स्टाइल, कि मम्मी इस तरीके से बनाती है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ वीडियो में। सबका अपना अपना तरीका होता है भट की सुरकानी बनाने का। ये डाला धनिया पाउडर, अभी खुश हो आ जाओ पीयूष, आ जाओ बेटा, आओ आ जाओ स्कूल से। और पेपर कैसा गया आपका? अच्छा, पूरे फुल मार्क्स। फुल मार्क्स आएंगे? ओहो हाँ, चिची दे दू हाँ। आप फोन पीहू, कैसा गया बेटा आपका पेपर? बहुत अच्छा हाँ। ओहो इतने मार्क्स आते हैं आपके, है ना? क्या ₹20 ले लिए, ₹10 थे, ₹5 अभी था ये। तुमने अपने पैसे संभाल के रखे हैं? मैंने भी ये दे, उन्हें अपने पैसे संभाल के रखे हैं? नहीं, मेरे दोस्त के बर्थडे था इसलिए उन्होंने मुझे पार्टी दी थी। ओहो, एक कैट दी थी और अब ₹10 ₹15 दिए थे दोस्त ने। बर्थडे था ही नहीं तो आपने सारे अपने पैसे वो कर देना फिनिश देंगे। ये आ गया खाना, भट की चुड़कानी और भात, और पीहू भी खा रही खाना हमारे साथ बैठ के, और मम्मी भी खाना खा रही। मम्मी भट की चुड़कानी और रोटी, क्योंकि वो चावल नहीं खाती है, उनको चावल पसंद नहीं है। और पीहू कैसे बनाए अम्मा ने भट की चुड़कानी और भात? अच्छा लग रहा है, मम्मी के हाथों पे तो जादू है भाई। गाइस मम्मी ने ना भट की चुड़कानी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाई थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, माने कि भैया के बच्चों को, और बहन ने भी खाना खा लिया है, सब ने खाना खा लिया है, मम्मी ने भी। तो मम्मी बाहर बैठी है धूप में आंटी लोगों के साथ, धूप भी सेक रही है, बातें भी कर रही है, और मैं अंदर ही हूँ। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं शाम को मिलती हूँ। गाइस मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए, मम्मी ने बोला आज अपने हाथ की चाय बना के पिला दे, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने हाथ की चाय बनाती हूँ और आप लोगों को पिलाती हूँ। और चलिए बनाती हूँ मैं चाय। हमारा पीयूष चाय पी रहा है और बिस्किट खा रहा है। मम्मी को भी मैंने दे दी है चाय, मम्मी भी बिस्किट खा रही है, अब मैं भी चाय और बिस्किट खाती हूँ। और ये कार्टून भी देख रहा है। गाइस यही करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड, जल्दी से करें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आप सबको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।